या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नवरात्र, यानी कि नौ शक्तियों की पूजा की जाती है और हमारा खास कार्यक्रम है नौ देवियों का रहस्य। नवरात्र यानी कि नौ माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा, नवरात्र यानी कि नौ देवियों की आराधना, माता के इन नौ स्वरूपों को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। माँ दुर्गा के इन सभी रूपों के साथ जुड़े हुए हैं ऐसे कई रहस्य जो आपके जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। नवरात्र के पहले दिन होती है माँ शैलपुत्री की पूजा, तो सबसे पहले बात होगी शैलपुत्री माँ की आराधना की, हिमालय की बेटी माँ शैलपुत्री, जिनके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन देवियां इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, यानी कि तीन ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वान्य आर्या जी हमारे साथ हैं, साथ ही नीति शर्मा जी हमारे साथ हैं, पारुल चौधरी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करूंगी वान्या जी। सबसे पहले लोगों के मन में जो सवाल होता है कि नवरात्र आ गए हैं, कलश स्थापना वो अपने घर में करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? जय माता दी। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है शीनम जी। नवरात्रि का ये समय है और कलश स्थापना जो नवरात्रि में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ये जो नौ रातें होती हैं, ये जो देवी की सबसे हाईएस्ट टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का और देवी की कृपा पाने का, ऐसे में अगर हम कलश स्थापना की बात करते हैं और कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं, कहते हैं कलश स्थापना में ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो है वास होता है। इसमें जो है अगर हम मुहूर्त, पहला मुहूर्त जो है वो 6:15 से लेकर 7:22 का है, 1 घंटा 6 मिनट का ये खास मुहूर्त है। जो लोग भी इस मुहूर्त पर किसी कारणवश अगर आप लोग कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हो, तो सेकंड मुहूर्त जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है 11:46 से लेकर 12:33, और ये अभिजीत मुहूर्त भी है। तो 3 अक्टूबर को आप सुबह जल्दी उठ के स्नान करके गंगा जल से अपने मंदिर को साफ करके कलश स्थापना जरूर करें इन दो मुहूर्त पर। फिर से रिपीट कर देती हूँ, 6:15 से 7:22 और 11:46 से 12:33। ठीक है, ये तो मुहूर्त की बात हो गई वान्या जी, लेकिन अब इसके साथ ही सवाल ये भी है कि धन का वरदान कैसे पाया जाए? माँ शैलपुत्री कैसे आपके घर पर धन की वर्षा करेंगी, क्या किया जाए, क्या उपाय है? देखिए, माँ शैलपुत्री जिसे हम कहते हैं, माँ शैलपुत्री को गॉडेस ऑफ करेज भी कहते हैं, साहस की देवी, जो जीवन में हमें सिखाती हैं कि कैसे टफ ऑफ द टफेस्ट सिचुएशंस में भी हम बहुत ज्यादा करेजियस रहकर अपने गोल को हमेशा अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर कुछ खास धन के उपायों की अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं, तो माँ को जो है खीर का भोग लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो है आप एक काम करें, आप एक लौंग की 108 लौंग की एक माला बना लें, एक कलावे पर एक एक करके अगर आप लौंग को टाइड अप करते हैं और उसके बाद अगर वो माँ को चढ़ाते हैं, तो आप देखिए आपके फिनेंसिस में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा। माँ को जो है गाय के जो दूध होता है, जो प्योर मिल्क होता है, उसकी मिठाई जो है बहुत ज़्यादा पसंद होती है। कोशिश करें अगर वो अपने हाथों से आप अगर बनाते हैं, क्योंकि उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जब भी कोई चीज़ आप अपने हाथों से बनाते हैं, तो आप वो माँ को भोग लगाएं। और इसके बाद जो है आप बर्फी भी बना सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, पान के पत्ते पर जो है आप लौंग और सुपारी रख के भी जो है माँ को आप चढ़ा सकते हैं, और लौंग को कलावे में जो आपने बांधना है, जो आपने पूरी माला बनानी है, वो एक कलावे पर आपने लौंग 108 लौंग जो है वो बांधनी है। इसके अलावा जो है एक और खास उपाय आपने क्या करना है, आपने सीता माता के पास जाना है और आपकी जो भी आपकी लाइफ में विश है हनुमान जी के लिए, क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी सीता माता की सारी बातें मानते थे, तो वहां पर आप अपने फिनेंशियल मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी आप बोलना चाहते हो वो आप सीता माता को बोलिए, कि हनुमान जी को बोलें कि आपकी लाइफ में ये चीजें जो है वो मैनिफेस्ट करें। इसके अलावा जो है आप माता शैलपुत्री को गोमती, एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें गोमती चक्र और कुछ कोड़ियां रख के वो आप माता शैलपुत्री को अर्पित कीजिए और उस पर हल्का सा कुमकुम लगा दीजिए, 9 दिन वो रखे रहे, उसके बाद उस कपड़े को बांध के आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही आपने आसान और बहुत ही खूबसूरत सा उपाय बताया, जिसे हम कहेंगे कि अपने दर्शकों को कि आप भी जरूर अपने जीवन में लागू कीजिएगा। मेरा आपसे सवाल रहेगा नीति जी, अगला, नौकरी व्यवसाय में बहुत परेशानियां आजकल लोगों को आती हैं, बिजनेस ठप हो जाते हैं, उसके लिए क्या किया जाए, माँ शैलपुत्री कैसे प्रसन्न होंगी? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः।
नवरात्रि की, शरद नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और न्यूज 18 के व्यूअर्स को तो मुख्य रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नौकरी व्यवसाय हम सबके जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आजीविका से ही हमारा जीवन यापन चलता है। और माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा की प्रथम शक्ति के रूप में मानी जाती हैं, हिमालय की बेटी हैं और भगवान शिव की भार्या के रूप में इनकी पूजा होती है। माँ शैलपुत्री को खुश करने के लिए, विशेष रूप से नौकरी में अगर आपको समस्याएं आ रही हैं, तो शैलपुत्री माता एक विशेष ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, वो है चंद्रमा। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में आपके मन का और आपके माता का कारक माना जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर चंद्रमा कहीं से भी पीड़ित है तो आप लोगों को मानसिक रूप से एक इमोशनल इम्बैलेंस आप देखेंगे, और नौकरी में विशेष रूप से उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। ऑल ऑफ अ सडन आपकी नौकरी जा सकती है, ऑल ऑफ अ सडन आपके मतभेद आपके बॉस के साथ नहीं बन सकते। और ऐसा भी देखा जाता है कि चंद्रमा के दुष्प्रभाव से कई बार एंजाइटी की इशू, अवसाद की इशू की वजह से डिप्रेशन में आप लोग आ जाते हैं। किसी की कोई बात आपको इतना हर्ट कर जाती है कि आप ना चाहते हुए भी उसके बैकलॉग में जाके एक नौकरी में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। चंद्रमा के वीक होने से कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से तो अशांत होते ही हैं, लेकिन धन का आवागमन भी, मतलब आपका एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कई बार, उसको आप लेकिन नहीं देवी माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये तो देखिए समस्याएं जो हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन उनका सॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण किया है, भगवान शिव की उपासना, क्योंकि दुर्गा माँ शिव की पत्नी है। शिवालय में जाके कच्चे दूध के अंदर गंगा जल मिला के एक स्टील के बाउल में उसमें थोड़े से काले तिल मिला के आप शिव परिवार का अभिषेक करें। साथ साथ डेली हो सके तो चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देते समय भी आपको कच्चा दूध, गंगा जल, चावल और थोड़ी सी चीनी मिला के आपको दोनों हाथों से चंद्रमा को अर्घ देनी चाहिए, विशेष रूप से पूर्णिमा के चंद्रमा को। मंदिर में अगर आप सफेद चीजों का दान करते हैं, जैसे कि आटा है, चीनी है, चावल है, सफेद वस्त्र है, मुख्य रूप से सोमवार के दिन आप हर सोमवार को ये काम करें, नवरात्रों से आप प्रारंभ कर लीजिए काम को, और हर सोमवार को ऐसा करने से आपका जो नौकरी में उतार चढ़ाव, और लेकिन जो नवरात्र का पहला दिन होता है उस दिन देवी शैलपुत्री की जब पूजा होती है, उस दिन के लिए कोई खास उपाय अगर आप दर्शकों को बताना चाहें। निश्चय रूप से शैलपुत्री माँ की आज पूजा के दिन आपको उनके प्रसाद में एक तो सफेद वस्तुएं जैसे कि खोए की बर्फी या खीर का उनको भोग लगाना है, सफेद पुष्प अर्पण करने हैं, चंदन का तिलक माँ को भी लगाना है, आपको खुद भी लगाना है, और दुर्गा का जो बीज मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ये नव दुर्गा के मंत्र है, इसको आपको 108 बार चैंट करना है, और चंद्रमा का बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः की 108 बार आपको जाप करना है चंदन की माला पर। ऐसा करने से अगर आपका उतार चढ़ाव नौकरी में चल रहा है तो निश्चय रूप से वो उतार चढ़ाव में ठहराव आएगा और एक स्टेबिलिटी आपकी नौकरी में बनेगी। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है आज के वक्त में, नौकरी व्यवसाय आपके लिए इतना जरूरी हो जाता है, तभी धन वर्षा होगी, धन का भी सीधा इससे संबंध है। अब बात कर लेते हैं रिश्तों में मधुरता की। रिश्ते आजकल बहुत ज्यादा लोगों के टूट रहे हैं। पारुल जी से मेरा अगला सवाल रहेगा, क्योंकि रिश्तों का टूटना, रिश्तों में खटास आना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसके लिए क्या किया जाए, माँ शैलपुत्री आपसे कैसे प्रसन्न होंगी, कोई एक खास उपाय बताइए कि रिश्तों में मधुरता आए। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। सभी दर्शकों मेरी ओर से शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जैसे कि देवी पुराण में भी मेंशन है, लिखा हुआ है कि इस बार देवी जी जो आ रही हैं पालकी यानी डोली पर आ रही हैं बैठ के, विराजमान जो होंगी वो डोली पर होंगी। तो इस बार रिश्तों के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं नवरात्रे, क्योंकि जब भी माँ डोली पर आती हैं तो आपके घर में विराजमान होती हैं। पैसों के लिए, धन के लिए तो जरूर देखे जाते हैं, लेकिन रिश्तों में सुधार, जैसे आपस में ब्रह्मांड में कोई भी आपका रिश्ता है, बहन से, भाई से, पति से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, प्रेम का कोई रिश्ता, कोई भी इस टाइम पे आपका रिश्ता खराब चल रहा है, तो मैं आपको एक रामबाण देके जाने वाली हूँ आज कि आपके इस 9 दिन में ऐसा बढ़िया आपका रिश्ते हो जाएंगे कि आप बस खुद भी भूले से नहीं भूलेंगे कि आपको करना क्या है। किसी के विवाह में एक तो देरी हो रही है अगर, और कोई भी आपका अगर रिश्ता खराब चल रहा है, आप दोनों ही कर सकते हैं ये वाला उपाय। आपको लेना क्या है, 36 लौंग लेने हैं, 36 लौंग लेने हैं आपको, 6 कपूर लेने हैं, और साथ में आपको चावल लेने हैं जो कि अक्षत जिसे हम बोलते हैं टूटे हुए ना हो वो लेने हैं। चावलों के अंदर आपको हल्दी मिक्स करनी है, थोड़ी सी घोल लेनी है, और साथ में आपको जो लौंग लेने और कपूर लेने वो साइड में रख देने हैं। तो पहले आप एक एक दाना उठा सकते हैं, एक लौंग का दाना उठाएंगे आप,
उसको आप मंत्रित करेंगे, आपको जो भी मंत्र आता है, या फिर आप बोलेंगे शैलपुत्री का बीज मंत्र भी बोल सकते हैं। बोलने के बाद आप उसके बाद जब आप हल्दी होगी मिलाएंगे और आप आहुति देते रहेंगे, पहले दिन ही आपको ये करना है। आप लौंग उठाइए, फिर आप कपूर उठाइए और आप आहुति दीजिए माँ के आगे, और जो चावल होंगे एंड में आपको करना क्या है, शिवलिंग पर जाके आपको सारे के सारे अर्पित कर देने हैं। जिस भी रिश्ते में आपके प्रॉब्लम चल रही है आपको उसका नाम लेना है, अपना नाम लेना है, यानी कि मैनिफेस्ट करना है। आपको नाम जरूर बोलना है, उनका पहला नाम जरूर आप बोलिए, और आप बोलिए इनसे आपके रिश्ते सुधर जाएं, कि माता रानी आप इस बार आई हैं तो हमारे रिश्ते सुधार के जाइए, हमारे घर में सुख शांति का वास करिए और आप भी हमारे घर में विराजमान होइए ताकि खुशियां बरकरार रहे हमारे घर में। बिल्कुल, खुशियां बरकरार रहे ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी घर की। अगर हम बात करें धन वर्षा बाद की बात है, नौकरी व्यवसाय बाद की बात है, लेकिन रिश्तों में मधुरता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन इन सभी चीजों के लिए माँ शैलपुत्री को आपको प्रसन्न करना होगा, ये तमाम उपाय करने होंगे जो हमारी देवियों ने आपको बताए, हमारी ज्योतिषाचार्य ने आपको बताए। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।